हेलो दोस्तों, रिच डैड और पुअर डैड ऑडियो बुक के पिछले वीडियो में हमने जाना था कि आपको किस तरह की एसेट्स खरीदने चाहिए, साथ ही टैक्स का इतिहास और कॉर्पोरेशंस की शक्ति के बारे में चर्चा की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से आप उसे देख सकते हैं। आज हम रिच डैड और पुअर डैड बुक के सबक नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जानते हैं कि रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैड द्वारा उन्हें अमीर बनने के लिए दिया गया 5वां सबक क्या है। सबक 5, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। ऑथर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की कहानी से शुरुआत करते हैं। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया और बाद में उसे पेटेंट भी करा दिया। उनके इस नए आविष्कार की मांग बहुत ज्यादा होने की वजह से वे बहुत परेशान थे, क्योंकि ग्राहम बेल को इतने बड़े बिजनेस को संभालने में काफी दिक्कत आ रही थी। इसलिए ग्राहम बेल उस जमाने की नामी कंपनी वेस्टर्न यूनियन के पास गए और उनसे पूछा कि क्या वे उनके पेटेंट तथा छोटी सी कंपनी को खरीदेंगे। इस पूरे सौदे के बदले में ग्राहम बेल $100,000 चाहते थे, लेकिन वेस्टर्न यूनियन के प्रेसिडेंट ने उनकी हंसी उड़ाते हुए इस प्रस्ताव को ये कहकर टुकरा दिया कि आप बहुत ज्यादा कीमत मांग रहे हो। बाकी इतिहास गवाह है। इसके बाद एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी AT&T का जन्म हुआ। रॉबर्ट 1984 से प्रोफेशनल तौर पर सिखाने के पेशे में है। रॉबर्ट ने हजारों लोगों को पढ़ाने के बाद सभी लोगों में एक चीज कॉमन देखी, वो है पोटेंशियल, क्षमता। हर इंसान में कुछ ना कुछ पोटेंशियल होती है जो उन्हें महान बनाती है, लेकिन एक चीज हम सभी को किसी ना किसी हद तक पीछे रोक कर रखती है और वो है खुद पर डाउट, शंका रखना। आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे कि एक बार स्कूल कॉलेज से निकलने के बाद डिग्रियां या अच्छे ग्रेड ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह जाते हैं। असल जिंदगी में ग्रेड काफी नहीं होते, क्योंकि संसार में चतुर नहीं साहसी लोग आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि वित्तीय प्रतिभा के लिए तकनीकी ज्ञान और साहस दोनों की जरूरत होती है। ज्यादातर लोग पैसों के मामले में कोई जोखिम नहीं लेना चाहते, लेकिन अगर आपको अमीर बनना है तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। अब आपको ही फैसला करना है कि आप क्या बनना चाहते हैं। अगर आप अपना फाइनेंशियल IQ बढ़ाते हैं तो आप जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आगे आने वाला समय आपके लिए और भी ज्यादा डरावना होगा। रॉबर्ट कहते हैं कि आज के समय में भी मैंने बहुत सारे लोगों को संघर्ष व कड़ी मेहनत करते हुए देखा, क्योंकि वो आज भी पुराने विचारों से जकड़े हुए हैं। वो अपनी नौकरी छूटने, अपना मकान गंवाने के लिए तकनीक, अर्थव्यवस्था या अपने बॉस को दोष देते रहते हैं। उन्हें ये पता ही नहीं होता कि इन समस्याओं का कारण वो खुद ही है। रॉबर्ट ने एक गेम बनाया जिसे वो कैश फ्लो कहते हैं। ये गेम लोगों को सिखाता है कि पैसा कैसे काम करता है, निवेश कैसे करना चाहिए, अमीर बनने का सही रास्ता क्या है। रॉबर्ट ने ये सारी बातें इस गेम के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। एक दिन एक महिला रॉबर्ट के पास आई। इस महिला ने सीखने का एक मूल्यवान अवसर खो दिया था। शुरुआती दौर में गेम खेलने के दौरान उसे एक बोट कार्ड मिला, जिसका मतलब ये था कि उसने एक नाव जीती है। वो महिला बहुत खुश हुई, लेकिन जब उसे पता चला कि इस नाव को लेने लिए उसे एक बड़ी रकम टैक्स के रूप में भरनी होगी, तो वह बहुत उदास हो गई। वो बोट उस महिला लिए एसेट नहीं बल्कि लायबिलिटी बन गई थी। उस महिला को लगने लगा कि ऐसे तो ये बोट उसकी जान ही ले लेगी। उसे ये खेल समझ नहीं आया और उसने रिफंड की मांग की। वह पैसे वापस लेकर चली गई, लेकिन बाद में उसने फोन करके बताया कि अब उसे ये गेम समझ में आने लगा है। वो उस गेम से अपने जीवन को जोड़कर देख पा रही थी। ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। जो बात हमारी समझ से परे होती है, अक्सर हम उस बात पर गुस्सा करने लगते हैं। इसलिए आपके लिए बेहतर होगा कि आपको चीजों को समझना चाहिए।
कैशफ्लो खेलने वाले कई लोग ऐसे भी होते हैं जो इस खेल में काफी सारा पैसा कमा लेते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि उस पैसे का क्या करें। असल जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। कुछ लोगों के पास पैसा तो बहुत होता है, लेकिन वे वित्तीय दृष्टि से कमजोर होते हैं। उनकी पुरानी सोच उन्हें आगे बढ़ने नहीं देती और वो सिर्फ सही मौके की तलाश में बैठे बैठे अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि कुछ लोगों को तो सही मौका मिल भी जाता है, लेकिन फिर भी वो उसका फायदा नहीं उठा पाते, क्योंकि वो कहेंगे कि उनके पास तो पैसा ही नहीं है। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसा भी होता है और मौका भी, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि ये एक अपॉर्चुनिटी है। वित्तीय बुद्धि का मतलब है ज्यादा विकल्प सोचना। अगर आपके पास मौके नहीं आ रहे हैं, तो आप अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं? अगर कोई अवसर आपकी गोद में आ टपकता है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है और बैंक वाले उधार देने को तैयार नहीं है, तो आप उस अवसर से कैसे लाभ उठा सकते हैं? ये सब बातें आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस पर निर्भर करती है। ज्यादातर लोग इन सब बातों का सिर्फ एक ही समाधान जानते हैं कि कड़ी मेहनत करके खूब पैसा कमाया जाए और कर्ज लिया जाए। अगर आप ऐसे इंसान बनना चाहते हैं जो अपनी किस्मत खुद बनाता है, तो मौके के इंतजार में बैठे ना रहे, बल्कि आपको सीखना होगा कि अपने लिए मौका कैसे पैदा किया जाए। अगर आप सही परिस्थितियों के आने का इंतजार करते रहेंगे, तो शायद आपको बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा। अमीर लोग जानते हैं कि पैसा वास्तविक नहीं है, हमारा दिमाग ही सबसे शक्तिशाली संपत्ति है। आपको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानना होगा। रॉबर्ट पैसे बनाने का एक सरल उदाहरण देते हैं। वो बताते हैं कि 1990 के दशक की शुरुआत में फीनिक्स और एरिजोना की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। वहाँ के लोगों को हर महीने $100 बचाने की सलाह दी जा रही थी। हर महीने एक निश्चित धनराशि बचाने का यह विचार काफी दमदार था, लेकिन ऐसे पैसे का क्या फायदा? इससे बेहतर तो ये होगा कि आप उस पैसे का कुछ हिस्सा निवेश करते रहे जो आगे चलकर आपको ज्यादा फायदा देगा। फीनिक्स और एरिजोना के लोग आर्थिक तंगी झेल रहे थे। लोग अपनी प्रॉपर्टी औने पौने दामों पर बेचने को मजबूर थे। निवेशकों के लिए यह सबसे अच्छा मौका था। रॉबर्ट ने भी $75,000 की कीमत वाला एक मकान सिर्फ $20,000 में ही खरीद लिया। इसके बाद उन्होंने अटॉर्नी के ऑफिस में एक विज्ञापन दिया और उनके पास उनका $75,000 की कीमत वाला यह मकान $60,000 में लेने वाले ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। उन्होंने इसे $60,000 में बेचकर $40,000 कमा लिए। इस पूरे खेल में रॉबर्ट को केवल 5 घंटे का ही समय लगा। इनमें से कौन सा काम आपको ज्यादा मुश्किल लगता है? कड़ी मेहनत करें, फिर जितना कमाते हो उसका 50% टैक्स चुकाएं, इसके बाद जो बचता है उसे बचाएं। आपकी बचत 5% ब्याज कमाती है, जिस पर एक बार फिर टैक्स लगता है। अपनी वित्तीय बुद्धि को बनाने का समय निकालें। अपने दिमाग और संपत्ति वाले कॉलम की शक्ति का दोहन करें। यदि आप पहले वाले विकल्प का चुनाव करते हैं, तो निश्चित रूप से पहले ये पता लगा ले कि $40,000 कमाने में आपको कितना समय लगेगा, क्योंकि समय आपकी सबसे बड़ी संपत्ति में से एक है। इसलिए मैं आपको दूसरे विकल्प को चुनने की सलाह दूंगा। सिर्फ अपने दिमाग पर इन्वेस्ट करें और फाइनेंशियली इंटेलिजेंट बने। इसलिए अगर आप दूसरे प्रकार के निवेशक बनना चाहते हैं, तो आपको 3 मुख्य योग्यताएं विकसित करने की जरूरत है। 1. कोई ऐसा मौका खोजे जिसे बाकी सभी ने नजरअंदाज कर दिया हो। याद रखें, आप अपने दिमाग से वो देख सकते हैं जो दूसरे लोग अपनी आंखों से नहीं देख पाते। 2. पैसा बाये। आम आदमी पैसे जुटाने के लिए सिर्फ बैंक तक जाते हैं, लेकिन दूसरे प्रकार के निवेशक को ये पता होना चाहिए कि बैंक जाए बिना पैसों की कितने तरीकों से व्यवस्था की जा सकती है। 3. स्मार्ट लोगों को संगठित कीजिए। बुद्धिमान लोग वे होते हैं जो अपने से ज्यादा बुद्धिमान लोगों के साथ काम करते हैं। जब भी आपको सलाह की जरूरत पड़े, तो अपने सलाहकार समझदारी से चुने। इस तरह रिच डैड द्वारा रॉबर्ट को दिया गया ये 5वां सबक था। आपको इससे क्या सीखने को मिला, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे के सबक हम अगले वीडियो में जानेंगे। साथ ही आगे के सबक को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए।